अलजेब्रा चैप्टर नंबर वन क्या है? लीनियर इक्वेशन इन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेटीवी, ठीक है, चैप्टर का नाम है अपना। हाँ, तो अब क्या करने का है अपने को? अपने को सबसे पहले एक्सरसाइज समझने का है। पहली एक्सरसाइज में हम लोग को नाइन्थ स्टैंडर्ड में अपन पढ़ चुके दो मेथड हैं। एक मेथड का नाम है एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एलिमिनेशन या तो फिर सब्स्टिट्यूशन। मैं यहाँ पे इसके स्टेप्स लिखूँगा, अपन यहाँ पे एक सम लिखेंगे और वो स्टेप्स पढ़ते पढ़ते अपन सम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो समझ में भी आ जाएगा। और एलिमिनेशन मेथड में कौन से तरीके के सम ज़्यादातर पूछे हुए वो सब भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक सम दे दो मेरे को, कोई भी एक सम दे दो एक्सरसाइज का। 3a + 5b = 26। सेकेंड इक्वेशन a + 5b = 22। ये मेरा इक्वेशन वन है, ये मेरा इक्वेशन टू है। अब मैं स्टेप्स लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं वो है चूज करने का है वेरिएबल, ठीक है। वो वेरिएबल चूज करो जिसको आप क्या करना चाहते हो, एलिमिनेट। आप कुछ भी चूज कर सकते हो। वेरिएबल्स तो मालूम है ना, ए बी एम एन एक्स वाई, जो अल्फाबेट्स रहते हैं इक्वेशन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल हम लोग चूज करेंगे, ठीक है, अपनी मर्जी का। तुम लोग बताओ किसको चूज करेंगे। ए को चूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बी थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ए चूज करता हूँ मैं, ठीक है, माइंड में ये सारी चीज़ें, तीन स्टेप तक जो भी होएगा सब माइंड में होएगा। सबसे पहले क्या करने का है, चूज़ करो क्या, किसको चूज़ किया अपन ने, ए को, ठीक है। चूज़ करने के बाद हम लोग का जो सेकंड स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि चेक करो, क्या करो, चेक करो क्या, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है वो उसका क्या होता है, कोएफिशिएंट। यानी पहले इक्वेशन में ए के साथ क्या लिखा हुआ है, तो 3 उसका क्या है, बी का कोएफिशिएंट 5, ए का कोएफिशिएंट 1, वेरी गुड, 5 का कोएफिशिएंट, बी का कोएफिशिएंट 5, तो इसका 1 है और इसका क्या है, 3। जो चूज किया ना उसका चेक करो, बाकी इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने को। आपने ए चूज किए थे, ए का यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। तो चूज चेक करने के बाद थर्ड स्टेप क्या है हम लोग का, सेम करो, क्या करो, अब अगर मैं बी को चूज करता, मैंने चूज किया बी, मैंने चेक किया कोएफिशिएंट 5 है, तो सेम करने वाला स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, क्योंकि वो सेम है ना, तो थर्ड स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, स्किप। अब मैंने क्योंकि ए चूज़ किया हूँ, तुम लोग बी चूज़ करना, क्योंकि इजी हो जाएगा ना सब, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, क्योंकि बताने का एक्स्ट्रा, इसलिए मैं ए चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि इसका 3 है और इसका 1 है, और मेरे को क्या करने का है, तो 1 को मैं 3 कैसे बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई किसको किस से, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3a + 15b = 66। एक चीज़ याद रखो, बहुत सारी मिस्टेक, बहुत सारे जन ये करते हैं कि सिर्फ 3a करने का था ना, तो 3a कर देते, बाकी सब एज इट इज़ लिख देते, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। जब आप इक्वेशन मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो हर एक टर्म इक्वेशन का मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर, अब 2 मेरे कुछ काम का नहीं है, है ना, तो मेरे काम का है 1 और 3, क्योंकि मैंने जो ए वेरिएबल चूज किया था उनके कोएफिशिएंट्स को क्या कर चुका हूँ, सेम कर चुका हूँ, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप है, साइन चेक करो, क्या करो, क्या है साइन, इसकी प्लस है, इसकी भी क्या है, अगर साइन मेरी सेम है, क्या है, तो हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट, अगर मेरी साइन डिफरेंट है तो हम लोग करते हैं ऐड।
अब सेम का मतलब ये है चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, आप क्या करोगे? अब प्लस माइनस यानी डिफरेंट है तो क्या करोगे? अब यहाँ पे सेम है कि अलग है कि डिफरेंट है? सेम है, तो मैं क्या करूँगा? सब्ट्रैक्ट। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम थ्री। अब वन फ्रॉम थ्री लिखा हूँ मैंने, वन फ्रॉम थ्री मतलब वन को मैं माइनस करूँगा किस में से? थ्री में से। तो थ्री पहले लिखूँगा और वन बाद में, ठीक है? तो थ्री पहले लिख दिया अपन ने, थ्री ए प्लस 15b इज इक्वल टू 66, फिर लिखा मैंने 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। अब मैं क्या कर रहा हूँ? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में नीचे वाले इक्वेशन की साइन क्या हो जाती है? चेंज। ऊपर वाला जो है वो वही रहेगा, लेकिन सब्ट्रैक्टिंग में नीचे वाले की साइन क्या हो जाएगी? एडिंग में नहीं होती है, एडिंग में कुछ भी चेंज नहीं, लेकिन इसमें चेंज होएगा, ठीक है? तो ये क्या प्लस है, मैं इसको क्या लिख दूंगा? ये माइनस। अब 3a की साइन क्या है? 5b की साइन क्या है? 26 की साइन क्या है? ठीक है, ऊपर वाली साइन भूल जाओ, ठीक है? 3a माइनस 3a 15 माइनस 5 66 माइनस 26 40 होएगा। कुछ भी कहीं पे माइनस वाइनस आने वाला है, पक्का सब सही है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वहाँ जाके क्या आएगा? तो b इज इक्वल टू 4 आ गया, है ना? अब मैं क्या करूँगा? पांचवा स्टेप क्या है मेरा, जब वैल्यू मुझे आ जाएगी, वैल्यू जब मुझे आ जाएगी तो सब्स्टिट्यूट इन एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन 1, 2, 3 कोई भी इक्वेशन में बी की वैल्यू क्या कर दो? सब्स्टिट्यूट कर दो। किस में करने का बोलो? सब्स्टिट्यूटिंग बी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है पहले मैं लिखूंगा, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 3a प्लस 5 इंटू बी का वैल्यू इज इक्वल टू 3a प्लस 20 इज इक्वल टू 20 वहाँ जाके क्या होएगा? 3a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 अपॉन a इज इक्वल टू 2। दोनों को डब्बे में डालने का जैसे मैंने डाला हूँ, ठीक है? और एट द एंड अगर लिखने का है तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4। ऐसा लिख करके अपना आंसर क्या करने का? ख़त्म करने का। समझ में आया ये? पक्का, ठीक है, इजी है। ये सब स्टेप्स तुम लोग अभी लिखोगे और ये सारे स्टेप्स जो है ना फॉलो करते रहोगे ना, तो कोई भी सम लीनियर इक्वेशन का कोई भी सम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अभी मैं एक और चीज़ बताता हूँ। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सम अपने को पूछे हुए एग्ज़ाम में वो है एड और सब्ट्रैक्ट वाला सम। एड और सब्ट्रैक्ट वाला सम मालूम है, याद है? यहाँ लिखता हूँ छोटा सा, कंडीशन है ना उसकी कि सपोज 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 499, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 501, ये वाला एक सम है। तो ये वाला सम कैसे सॉल्व होता है, पता कैसे चलेगा कि ये एड सब्ट्रैक्ट वाला सम है? इधर x का कोएफिशिएंट 101, यही सेम कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में किसका है? y का। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट, यही सेम कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में किसका है? तो कोएफिशिएंट जब एक्सचेंज हो जाते तब हमको समझ में आएगा कि कौन सा सम है ये, ऐड सब्ट्रैक्ट। एक बार ये इक्वेशन को क्या करने का? ऐड। एक बार ये इक्वेशन को क्या करने का? सब्ट्रैक्ट। ये बोर्ड में पूछता है, ये उनका फेवरेट सम है, ठीक है? अब तक दो बार पूछ चुका है, जब से टेक्स्ट बुक चेंज हुई है तब से ये वाला सम दो बार पूछ चुका है। समझ में आया? क्लियर है? ये हम लोग का कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है? PS2 में क्या है अपना? ग्राफिकल है ना। ग्राफिकल से तुम लोग पता नहीं क्यों भागते हो, लेकिन बहुत आसान होता है, समझाता हूँ मैं तुम लोग को। ध्यान से देखो, ग्राफिकल का एक कोई भी सम दो मुझे, जल्दी दो। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और
यही है ना, दोनों एक ही सम के है ना, मालूम पड़ा अलग अलग दे रहे हो क्या? नहीं, एक ही सम के है ना दोनों। हाँ तो ये इक्वेशन वन हो गया, ये इक्वेशन टू। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं ये वाला इक्वेशन ले लेता हूँ, 2x-3y = 4। ठीक है, ये जो ऐसे वाले सम आएंगे ना, ये थोड़े से डिफिकल्ट वाले सम में काउंट होते हैं, यानी चार मार्क वाले सम में, जिसमें ऐसा y प्लस एक्स ऐसा कुछ भी रहता है ना, जिसमें कोएफिशिएंट्स नहीं रहते, वो वाले इजी सम आते हैं, वो तीन मार्क के लिए आते हैं, याद रखो। अब इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसमें भी सबसे पहले अपने को चूज़ करने का है कि कौन सी वैल्यू आपको पुट करनी है। एक वैल्यू हम लोग को पुट करनी होती है, या तो x की या तो y की। मैं डिसाइड करूँगा कि मैं कौन सी वैल्यू पुट करना चाहता हूँ, बोलो कौन सी पुट करना है। x पुट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ क्या बचना चाहिए, y। तो सबसे पहले ये जो 2x है ये वहाँ जाएगा, वहाँ जाके क्या होएगा, माइनस। फिर ये -3 बचा ना, y के साथ कौन बचा, लेकिन ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या होएगा, डिवाइड। y = 4-2x / -3। तुम लोगों ने सबसे डिफिकल्ट वाला सम दे दिया, ठीक है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनो, 4-2x / -3, मुझे x के अंदर एक ऐसा नंबर डालना है, रैंडमली नहीं डाल सकते हो तुम लोग, मेरे को एक ऐसा नंबर डालना है जो 2 से मल्टीप्लाई हो, और जब 4 से माइनस हो तो वो किसके टेबल में जा रहा हो, 3 के टेबल में। जैसे मैंने सपोज 1 डाल दिया, मेरे को 1 बहुत पसंद है, 1 डाल दिया, 2 1 4-2 2 2 3 के टेबल में जाता है, तो रॉन्ग हो गया ना, 2 और 3 डिवाइड ही नहीं होगा, तो तुम उसको प्लॉट कैसे करोगे, है ना। सपोज मैंने ले लिया 2 2 2 4-4 0/3 कितना आएगा, 0 चलेगा ना, देखो 0 चलेगा, 0 का टेंशन नहीं अपने को, बस पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं अब ये बनाने के बाद सबसे पहले क्या बना दूंगा, यहाँ पे टेबल, क्या बना दूंगा, टेबल बनाऊंगा, उसमें लिखूंगा x y x, y, एक दो तीन चार, चार बॉक्स बन गए, अपने को तीन ही चाहिए रहता है, मिनिमम तीन चाहिए रहता है, चार भी बना सकते हो तुम लोग, ठीक है, अपने पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो अपन तीन ही लेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, अपन x = क्या डाल रहे पहले, 2। तो अब ये वाले इक्वेशन में y = 4-2x / -3 में मैं x की जगह पे क्या लिखूँगा, ठीक है, तो 4 तो एज इट इज, 2 2 0 तो कितना आया वैल्यू मुझे, तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्या लिया था, y की वैल्यू क्या आई, कोऑर्डिनेट 2, 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लूँ बताओ, 3 लूँ, 3 पुट करके पहले ओरली कैलकुलेशन कर लेने का, 2 3 4-6-2 -2 3 के टेबल में जाएगा क्या, कैंसिल, 4 4 2 8 4-8 -4 -4 भी 3 के टेबल में, 5 5 2 4-10 -6 -3 होएगा ना डिवाइड। हाँ तो अब मैं क्या लूँगा, x = क्या लूँगा, 5 5 ना, हाँ तो x = 5 लूँगा, वापस से ये वाला इक्वेशन लिखूँगा, y = 4-2x / -3 y = 4-2 × 5 / y = 4-10 / 4-10 कितना होता है, -6 / -3 -- कैंसिल, 3 1 3 तो आंसर कितना है मेरे को, और वह x क्या था मेरा, तो मैं यहाँ लिखूँगा 5, यहाँ लिखूँगा 2, मेरे को आंसर आएगा 5, 2। अब एक और वैल्यू चाहिए, 3 चाहिए रहती कम से कम, एक और वैल्यू, और एक क्या लेंगे बताओ, 6 ट्राई करते हैं, कितना आएगा, 12 4-12 8 जाएगा क्या, 7 14 हो जाएगा, 4-14 -10 नहीं जाएगा, 8 8 2 16 4-16 12 12 3 के टेबल में जाता है, तो ले लो कितना लेंगे, x = 8 याद रखो, 8 से बड़ा x का वैल्यू मत लेना, क्योंकि अपना जो ग्राफ बनता है ना उसमें 8 से ज़्यादा अपन प्लॉट कर नहीं पाते, y चलो 9 10 तक जाएगा, लेकिन x जो ऐसा x x एक्सिस डालते हैं ना ऐसा, तो वो अपना कहाँ तक जाता है, खाली
आठ या नौ तक जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आठ तक लास्ट ऑप्शन रखो अपना, ठीक है। अब अपन करेंगे y इज इक्वल टू फोर माइनस टू एक्स अपॉन माइनस थ्री, वाई इज इक्वल टू फोर माइनस टू इंटू एट अपॉन माइनस थ्री, वाई इज इक्वल टू फोर माइनस सिक्सटीन अपॉन, फोर माइनस सिक्सटीन कितना होता है माइनस माइनस कितना आया फोर, तो मैं यहाँ लूँगा आठ, यहाँ लूँगा फोर, ये होगा एट कॉमा फोर, ठीक है, समझ में आया। ये हम लोग का पूरा टेबल रेडी है। प्लॉट कैसे करना है बता देता हूँ, ठीक है। रफली यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया मेरा ज़ीरो, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये एट, वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ठीक है। जितनी ज़रूरत है आप उन्हें उतना ही बनाएं। सबसे पहला मेरा कोऑर्डिनेट है टू कॉमा ज़ीरो, मतलब एक्स एक्सिस पे टू और वाई एक्सिस पे, तो वो तो यहाँ का यहीं रहेगा, है ना, तो यहाँ बना लेता हूँ मैं, ये मेरा हो गया। फिर उसके बाद है फाइव कॉमा टू, फाइव इधर है टू ऊपर, मतलब यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एट कॉमा फोर, एट इधर है फोर इधर है, तो यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है। ये तीन पॉइंट बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, छोटा सा चिंदी सा नहीं बनाने का, बड़ा, जब तक जहाँ तक पेज जा रहा बना दो, ठीक है। क्यों बड़ा बनाने बोल रहा हूँ, अब ये इक्वेशन लिखूँगा मैं इस लाइन पे, कैसे लिखूँगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, समझ में आना चाहिए कि ये जो लाइन बनी हुई है ये कौन से इक्वेशन की है। सेम कैलकुलेशन हम लोग करेंगे सेकेंड इक्वेशन का, ठीक है, वो कहीं ऐसा कुछ बन गया अपने को, ठीक है, जैसे ऐसा कुछ बन गया, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये सेम इक्वेशन 3x 3y माइनस x इज इक्वल टू फोर, ये सेम इक्वेशन मैंने वो वाली लाइन पे लिख दिया, मतलब ये वाला लाइन इस इक्वेशन का, ये वाला लाइन इस इक्वेशन का है, ठीक है। अब क्या करना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग भूल रहे हैं, स्केल ऑन एक्स एक्सिस और वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन यूनिट, स्केल इम्पॉर्टेंट है, स्केल लिख दिया हम लोग ने, ये इम्पॉर्टेंट था, ये लिख दिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आंसर, एक्स और वाई का वैल्यू है ना, सपोज़ मुझे यहाँ आ रहा है ना, यहाँ आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं अगर ऐसे ऊपर लाइन बनाऊँगा, ये फोर है और ये क्या है मेरा टू है, तो फोर कॉमा टू है सपोज़, ठीक है, सपोज़ वो कहीं और आ रहा है लेकिन हम लोग को फोर कॉमा टू आया, तो फोर कॉमा टू, ये सब लाइन नहीं बनाने का, ये तुम लोग को दिखाने के लिए बना रहा था मैं, ये मेरा आंसर है अगर, तो ये कितना है फोर कॉमा, अच्छा ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना ये भी मार्क करने का, जैसे ये टू कॉमा ज़ीरो है, फिर उसके ऊपर वाला क्या है फाइव कॉमा टू है, फिर उसके ऊपर वाला क्या है एट कॉमा, ये सब भी लिखने का, ठीक है। ये लिख लिया हम लोग ने, इस वाली लाइन का भी लिखेंगे, ये हम लोग का मेन आंसर है। नीचे हम लोग ऐसा लिखेंगे एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू फोर कॉमा टू। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, ये मेरा है ना ग्राफ रॉन्ग हो गया पूरा, क्यों मालूम, क्योंकि मेरा क्वेश्चन देखो क्या है, अच्छा नहीं, क्वेश्चन मेरा एक्स वाई था, मैंने यहाँ पे लिखा एक्स वाई, रॉन्ग हो जाता अगर मुझे क्वेश्चन होता ए बी में या एम एन में, और मैं यहाँ क्या लिखता एक्स वाई, ठीक है। अगर तुम्हारा लीनियर इक्वेशन ए और बी वेरिएबल्स में है या एम और एन वेरिएबल्स में, तो यहाँ पे आंसर में भी क्या आना चाहिए एम और एन, एक्स और वाई नहीं चलेगा, समझ में आया। ये पूरा जो तुम लोग ने बनाया हो ना, ये पूरा तुम लोग को चार मार्क्स देगा, समझ में आया पक्का, ये तुम लोग का ग्राफिकल मेथड है। कुछ डाउट है इसमें किसी को, चलो प्रैक्टिस सेट थ्री में तुम लोग का सबसे फेवरेट कौन है, क्रैमर्स क्रैमर क्रेमर जो भी बोलने का बोलो, ठीक है, आसान चीज़ है। सबसे पहले इसके अंदर एक मार्क का अपने को सम आता है, ठीक है, कौन सा सम, डिटर्मिनेंट निकालो, क्या निकालो, इसका नाम होता है डिटर्मिनेंट, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आता है उसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट, अलग चीज़ है दोनों,
ठीक है। हाँ तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, अपने को एक कोई भी इक्वेशन दे देगा, 3x plus 4y is equal to 2, 5x plus y is equal to minus 9, ये हम लोग का एक दो इक्वेशन है, और बोलेगा क्या निकालो डिटर्मिनेंट, तो अपन d का वैल्यू निकालेंगे। d के वैल्यू में हमेशा अपन क्या लिखते हैं, a1 a2 b1 b2। अच्छा कौन है ये लोग, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये याद रखो एक चीज़ कि हमेशा हम लोग का जो इक्वेशन है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ये फॉर्म में होना चाहिए। कभी कभी डिटर्मिनेंट में होता है टू को अपन यहाँ लिख देते हैं या लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो उसको आप पहले ऐसा बनाओगे फिर जाके सॉल्व करोगे, ठीक है। अब ये मेरा a1 a2 b1 b2, ये मेरा 3 5 4 और 1, ये इससे मल्टीप्लाई आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई आएगा, 3 माइनस कितना आएगा, ये अपना डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया, समझ में आया, ये तो इजी है ना। फिर ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, डी एक्स फाइंड करते हैं, है ना, क्या फाइंड करते हैं, डी एक्स में ये जो एक्स वाले टर्म्स होते हैं वो नहीं आते, ठीक है। अब डी एक्स वाले टर्म में जो एक्स वाले नंबर है, एक्स वाले नंबर मतलब ए वन ए टू, ये नहीं आते, ए वन ए टू की जगह कौन आता, सी वन सी टू, तो टू और माइनस नाइन, टू और माइनस, और बी वन बी टू जैसा का है वैसा का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अपन यहाँ सॉल्व करता हूँ, टू वन जा, ठीक है, और फोर नाइन जा, माइनस 36, 2 प्लस 36 हो जाएगा, आंसर आएगा अपने को 30, ये किसका वैल्यू है। फिर अपन क्या फाइंड करेंगे, डी वाई में बी वन बी टू कौन आता है उसकी जगह, ए वन ए टू अपनी जगह पे रहता है ना, तो यहाँ आएगा सी वन, ए वन ए टू क्या है मेरा 3 और 5, सी वन सी टू क्या है मेरा 2 और माइनस 9, 2 × -9 -27 है ना, बीच में माइनस की साइन, 5 × 2 = माइनस 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 37 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर है ना, ये मुझे किसकी वैल्यू आई। अब क्या करूँगा, एक्स का वैल्यू डी एक्स अपॉन, वाई का वैल्यू व्हाट इज डी एक्स, 38 अपॉन माइनस 17, फिर ये क्या है, इसमें माइनस माइनस कट होएगा, 37 अपॉन, अगर कट हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहने दो, समझ में आया, समझ में आया क्रेमर्स रूल पक्का, ठीक है। आगे प्रैक्टिस सेट 4 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 4 का एक सम देख लेते हैं, 2 upon x minus 3 upon y = 15 और 8 upon x plus 5 upon y = 77, ठीक है, ये हम लोग का सम है। अब ये सम में करूँगा क्या मैं, सबसे पहले तो इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देने के बाद एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे वेरिएबल हम लोग का आ रहा है डिनोमिनेटर में, वेरिएबल डिनोमिनेटर में है मतलब वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, है ना, तो वो ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, तो आप सॉल्व कर सकते हो गाइस इसको, तो आपको इसको लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। मैं कैसे बनाऊंगा, ये मेरा 2 upon x लिखा है ना, जो भी नंबर लिखा रहेगा ना ऊपर नंबर, उसको आप अलग कर दो, क्या कर दो, जैसे 2 लिखा है तो 2 को मैं अलग कर देता हूँ, तो अलग करने के बाद बचेगा क्या, 1 upon x, 2 इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 × 1 = 2, आंसर क्या आएगा, है ना, अलग कर दिया, इसमें भी क्या अलग होएगा, माइनस 3 अलग, 1 upon y अंदर, 15 को एज इट इज छोड़ दो, इसमें क्या होएगा, 8 1 upon x प्लस 5 1 upon y इज इक्वल टू, अब ये जो 1 upon x और 1 upon y बन रहा है ना, मैं इसको एक को m और एक को n पुट कर दूंगा, ठीक है, तो मेरा ये इक्वेशन क्या बनेगा, 2m - 3n, 2m - 3n इज इक्वल टू 15, 8m + 5n इज इक्वल टू 70,
ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 और ये 102 तो हो गया है ना। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने के लिए वही अपना स्टार्टिंग वाला चूज़ करो, किसको एलिमिनेट करने का है। जैसे m को, m का वेरिएबल सेम है क्या, कोएफिशिएंट सेम है क्या, तो कोएफिशिएंट सेम करो। इसको 8 बनाना इजी है, किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो लिखूँगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 4। तो 4 2 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या हो गया 5। अब चेक करो, इसका साइन सेम है, साइन सेम रहता तो क्या करते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 4। 4 पहले लिखूँगा, 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77, 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस ये कैंसल, 5 प्लस 12 17n, बचा क्या यहाँ पे 17, n इज इक्वल टू 17 अपॉन 17, n इज इक्वल टू 1 फाइंड करने के बाद मैं उसको कोई भी थर्ड फोर्थ या फिर फिफ्थ कोई भी इक्वेशन में पुट करूँगा। जैसे मैं पुट करता हूँ थर्ड में, ठीक है, तो 2m इधर लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, 3n इज इक्वल टू 15, 2m माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 2m माइनस 3 वहाँ जाके प्लस m इज इक्वल टू 9। सही है, m इज इक्वल टू 9 हो गया। अब यहाँ पे सम खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन अगर मेरा x के टर्म में है तो आंसर भी मेरा x के टर्म में होना चाहिए। तो अब मैं उसको रीसब्स्टिट्यूट करूँगा, क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रीसब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू 9 एंड n इज इक्वल टू 1 इन, बस n इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू m है और 1 अपॉन y इज इक्वल टू क्या है n, n का वैल्यू क्या है 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 और m का वैल्यू क्या है, मुझे x और y का वैल्यू चाहिए, मुझे 1 अपॉन x का वैल्यू नहीं चाहिए। तो 1 अपॉन x को मैं उल्टा कर दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, तो 9 का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन 9 है ना। तो x का 1 अपॉन x का उल्टा अगर x होता है तो 9 का उल्टा क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या है, फिर 1 अपॉन y का उल्टा y होता है तो 1 अपॉन 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो ये अपना आंसर है, समझ में आया। ये सम इम्पॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, और इसके नीचे इसका क्या है टाइप 2 सेम सम है, बस उसके अंदर x और y नहीं रहेगा, x प्लस y, x माइनस y ऐसा कुछ दे देंगे। सम पूरा का पूरा क्या है सेम, समझ में आया ये पक्का। ये तुम लोग का लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स है वो सब बाद में देखेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये 4 प्रैक्टिस सेट है, ये चारों प्रैक्टिस सेट में, अच्छा एक और चीज़ है जो हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछता है वो है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, वैसे लीनियर इक्वेशन का भी पूछता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं। 2 वेरिएबल बोला है तो उसके अंदर 2 अल्फ़ाबेट रहना ज़रूरी, कोएफिशिएंट 0 नहीं रहना चाहिए, रूट में रहेगा चलेगा, पॉइंट में रहेगा चलेगा, अपॉन में रहेगा चलेगा, बस क्या नहीं रहना चाहिए, और उसके ऊपर कोई पावर नहीं होना चाहिए, एक्स या वाई, ए या बी, एम या एन के ऊपर कोई पावर। और एक और कंडीशन, लास्ट कंडीशन जो यहाँ पर है कि हमारा जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे पूछ लिया बताओ ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, मैं क्या बोलूँगा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में, और लीनियर इक्वेशन में जो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर हमेशा हमको वेरिएबल्स कहाँ बताए हुए हैं, न्यूमरेटर में। अगर न्यूमरेटर में है तो ही वो लीनियर इक्वेशन है, वरना वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। समझ में आ गया, 3 कंडीशन याद रखने का, कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, उसका पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। बाकी कोएफिशिएंट कुछ भी रहे,
रूट में रहे, अपॉन में रहे, कुछ भी रहेगा चलेगा, बस जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर? ये पूरा चैप्टर है तुम लोग का।